Assalamualaikum, welcome back to my channel. मैं हूँ अर्शीन और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन. उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स ले ली हूँ. देखिए मैंने बोनलेस चिकन को इस तरह से स्ट्रिप्स में कट की हूँ. अब हम इसको मैरिनेट करेंगे. 2 teaspoon तंदूरी मसाला, 2 teaspoon टिक्का मसाला और ये है 2 pinch रेड कलर. मैंने ये दोनों मसाले शान के यूज की हूँ. इसमें आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है. मैरिनेशन हो गया इसका. अब हम इसे 20-30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे. जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सी में ऐड करूँगी 300 grams टमेटो. ये मैंने 90 ग्राम्स बिरिस्ता ले ली हूँ, यानी 6 छोटी प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाई हूँ. ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे. 50 ग्राम्स मावा, 2 tablespoon काजू, ये है 2 tablespoon मलाई जो दूध के ऊपर फॉर्म होती है. मैं 50 ग्राम्स फ्रेश क्रीम, 5 tablespoon टमेटो केचप. इन सबको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे. देखिए ये पेस्ट भी ग्राइंड करके रेडी है. चिकन को भी 30 मिनट्स हो गया मैरिनेशन करके, तो अब हम उसे कुक करेंगे. उसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें मैंने ऑयल ऐड करी हूँ. जिस ऑयल में मैंने बिरिस्ता बनाई थी मैंने वो ऑयल यूज़ करी हूँ. और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. अब हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे जब तक इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा. हाई फ्लेम रखेंगे और बीच में हर थोड़ी थोड़ी देर हम इसे स्टर करते रहेंगे. देखिए चिकन अभी पूरी तरह ड्राई हो गई है. अब हम इसे निकाल लेंगे. इसे हमें पूरा टेंडर नहीं करना है, बस इसका जो पानी है वो एक बार ड्राई हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे. सेम कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा सा बिरिस्ता ऑयल ले ली हूँ. मैं इसमें अब बटर ऐड करूँगी, अमूल बटर. इसमें ऐड करूँगी मैं होल स्पाइसेस. यहाँ है 10 लौंग, 2 इलायची, 4 pieces ऑफ दालचीनी दैट इज सिनेमन स्टिक्स और ये है 2 teaspoon होल ज़ीरा. सब इसमें डाल के हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे. हाफ मिनट के लिए हमने होल गरम मसाला फ्राई कर लिया. अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon रेड चिल्ली पाउडर, 2 teaspoon हल्दी पाउडर, 2.5 tablespoon धनिया पाउडर. हम ये ऐड करेंगे और इमीडिएटली इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे वरना मसाला जल सकता है. फ्लेम को मैंने स्लो रखी हूँ. हम इसमें और थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ऑयल फ्लोट हो जाए. थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे. अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर भूनने देंगे. देखिए थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया है. अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड करेंगे. मैंने जो बोनलेस चिकन यूज़ की हूँ तो उसकी जो बोन्स थी वो उसका मैंने सूप ले ली हूँ. तो वो जो सूप रहता है आप उसे कोई भी ग्रेवी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, उसे ग्रेवी का टेस्ट ज़्यादा बेटर हो जाता है. तो मैं बटर चिकन में भी चिकन स्टॉक ही यूज़ करूँगी. और अगर आपके पास इनकेस चिकन स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ऐड चिकन क्यूब.
और स्टार्टिंग में भी मैंने जो थोड़ा बहुत वाटर ऐड की थी वो एक्चुअली वो नहीं ऐड करना था, उसके बदले आपको चिकन स्टॉक ऐड करना है। देखिए ये जो पाउडर मसाले हमने ऐड करे थे ये अच्छी तरह से भुने गए, तो अब जो हमने पेस्ट बनाए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, ये पूरी तरह ब्लेंड हो जाना चाहिए। देखिए अब हम इसे भूनने देंगे जब तक ऑयल इसके ऊपर फ्लोट हो जाए। हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक ये पूरी तरह भुना जाए, लेकिन बीच में एक दो बार हम लिड हटा के इसे अच्छी तरह से स्टियर कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगा इसे अच्छी तरह कुक होने के लिए। अब हम ऐड करेंगे इसमें चिकन, चिकन डालने के बाद हम इसे कवर करके और 5 मिनट्स कुक करेंगे तो चिकन कम्प्लीटली टेंडर हो जाएगी। चिकन कुक हो गई है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, वॉश कर ली हूँ मैंने इसे, चॉप कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, मिक्स वेल, चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक आपको कितना, इसकी कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, कितना आपको फ्लोई ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करें। बटर चिकन सेमी थिक होता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा फ्लोई मत कर देना। थोड़ा सा हम इसमें रेड कलर भी ऐड कर देंगे, रेड कलर आपको जितना ऐड करना है आप उतना ऐड करें, नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप रेड कलर ऐड करें। हाई फ्लेम पे इसे कुक करें, इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसकी फ्लेम स्लो करेंगे। कंसिस्टेंसी देख लीजिए इसकी, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं बना है और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं है। और ऑयल आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ये जब ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी कंसिस्टेंसी अभी ही सही कर ले। इसे कवर करेंगे स्लो पे 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। बटर चिकन रेडी है, फ्लेम भी मैंने ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें हम कोल्ड स्मोक देंगे। इमीडिएटली इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए हम स्मोक में इसे रहने देंगे। बटर चिकन रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बटर चिकन रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।